एक गणित के टीचर स्कूल में 6 साल के बच्चों को गणित पढ़ाया करते थे। एक दिन वो क्लास में आए और अर्नब नाम के एक बच्चे से उन्होंने पूछा, अर्नब यदि हम आपको 2 आम और 2 आम देंगे तो आपके पास कितने आम होंगे? अर्नब ने कहा 5। टीचर ने कहा, अर्नब यदि हम आपको 1 2 1 2 इतने आम देंगे तो आपके पास कितने आम होंगे? अर्नब ने कहा 5। टीचर ने विचार किया, यदि हम अपना एग्जाम्पल उदाहरण बदल दे तो हो सकता है अर्नब सही जवाब दे देगा। टीचर ने फिर से अर्नब से पूछा, अर्नब यदि हम आपको 2 स्ट्रॉबेरी और 2 स्ट्रॉबेरी दे तो आपके पास कितनी स्ट्रॉबेरीज होंगी? अर्नब ने कहा 4। अपनी योजना को कामयाब देखते हुए टीचर बड़े खुश हुए, केवल ये चेक करने के लिए कि अर्नब ने गणित सही तरीके से सीखा है या नहीं। उन्होंने अर्नब से फिर अपना पहला वाला सवाल पूछा, अर्नब यदि हम आपको 2 आम और 2 आम देंगे तो आपके पास कितने आम होंगे? अर्नब ने कहा 5। अब टीचर बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने अर्नब से कहा 2 और 2 स्ट्रॉबेरी 4 और 2 और 2 आम 5 कैसे हुए? अर्नब ने कहा, मैडम क्योंकि हमारे बैग में पहले से 1 आम रखा हुआ है। अब देखिए ना, इसमें कौन सही था और कौन गलत था? क्या टीचर गलत थे? नहीं, क्योंकि 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। क्या अर्नब गलत था? नहीं, क्योंकि 2 और 2 4 तो होते ही है, लेकिन उसके बैग में पहले से ही 1 आम रखा हुआ था और इसीलिए 2 और 2 4 और 1 आम मिलकर 5 हुए। देवी और सजनों, हमारे जीवन में जो भी रिश्तों में तनाव आते हैं, झगड़े होते हैं, गलत फहमियां होती है, ये इसी कारण से होती है। टीचर टेक्निकली सही थे क्योंकि 2 और 2 4 टेक्निकली सही होता है, और अर्नब प्रैक्टिकली सही था, 2 और 2 4 होता है, लेकिन उस टेक्निकल सही के पीछे छिपा हुआ 1 आम था। अपने रिश्तों में भी ऐसा ही होता है ना, एक व्यक्ति सोचता है कि वो सही है और वो टेक्निकली सही है, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि वो सही है और वो प्रैक्टिकली सही है, और सारे झगड़े इसी के आधार पे तो होते हैं। इसीलिए यदि आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता हो, आपको दिख रहा है कि वो प्रेम नहीं करता, आप टेक्निकली सही है, क्या आप प्रैक्टिकली सही है? आप प्रैक्टिकली सही तब होंगे जब आप पीछे छिपे हुए आम को देखें कि आपका पति आपसे प्रेम क्यों नहीं कर रहा। यदि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो आप टेक्निकली सही है, आपकी आंखों को दिखाई पड़ रहा है कि वो बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, क्या आप प्रैक्टिकली सही है? प्रैक्टिकली सही होने का मतलब होता है आप उस छिपे हुए आम को देखें कि आपका बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मान रहा। इसीलिए यदि अपने संबंधों में जान लानी है, अपने संबंधों से गलत फहमियां दूर करनी है, तो टेक्निकली सही होने की बजाय प्रैक्टिकली सही होना सीखिए। उस छिपे हुए आम को ढूंढिए, उस कारण को ढूंढिए कि लोग इस तरह से आपके साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और देखिए ना कितनी जल्दी आपके संबंध सुधर जाएंगे।